तो सबसे पहले अपने एक वीडियो को टाइमलाइन के अंदर लेके आना है, तो मैं इस वीडियो को टाइमलाइन के अंदर ले आता हूँ। अब इसको प्ले करके दिखाता हूँ कि ये वीडियो जो सिंपल है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कैसे आप एक पूरी की पूरी वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं। तो ये मेरी एक नॉर्मल वीडियो है, हम इसको पूरी की पूरी वीडियो को रिवर्स करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, एडिट के ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ आपको मिल जाएगा रिवर्स दिस वीडियो का ऑप्शन, यहाँ आपने क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। तो इससे क्या, आपकी जो पूरी की पूरी वीडियो है पूरी की पूरी रिवर्स हो जाएगी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो देखते हैं यहाँ मेरी वीडियो पूरी की पूरी क्या हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है। अब हम देखेंगे कैसे हम एक बूमरैंग इफेक्ट बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको जहाँ तक वीडियो चाहिए वहाँ तक रखिएगा। तो मुझे यहाँ तक वीडियो चाहिए, मैं कट लगाऊंगा, एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दूंगा और इसको कॉपी करेंगे और ठीक इसके आगे हम इसके पेस्ट कर देंगे। सेम मैं दूसरी क्लिप लूँगा, जहाँ तक मुझे चाहिए वहाँ एक कट लगाऊंगा और एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दूंगा। फिर से इसको कॉपी करेंगे इस फाइल को और ठीक इसके आगे हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब पहली फाइल की जो हमने कॉपी की थी फाइल पेस्ट की थी उसको राइट क्लिक करेंगे और इसको रिवर्स कर देंगे। इस तरह हम जो सेकंड फाइल की पेस्ट की थी उसको हम राइट क्लिक करेंगे और रिवर्स कर देंगे। आपने फर्स्ट फाइल पार्ट वीडियो की फर्स्ट पार्ट को कॉपी करना है और ठीक उसके रिवर्स के आके पेस्ट कर देनी है। इसी तरह अपने सेकंड पार्ट का फर्स्ट वीडियो को कॉपी करना है और उसके रिवर्स के आगे पेस्ट कर देना है। तो इसे हम रेंडर कर लेते हैं, इससे जो बहुत ही अच्छा बूमरैंग इफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पहले आपकी नॉर्मल क्लिप चलेगी, फिर इसकी रिवर्स क्लिप चलेगी और फिर इसकी नॉर्मल क्लिप, सेकंड की नॉर्मल क्लिप, फिर इसकी रिवर्स और फिर इसकी दोबारा नॉर्मल।